तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको जॉन सीना की स्टेटस को लेकर बात की थी कि पॉसिबली ये आपको रेसलमेनिया में अपना अपीयरेंस करते हुए दिख सकते हैं या कोई छोटा मोटा सेगमेंट में। लेकिन अब दोस्तों जो पता चला है ना, शायद वो काफी बैड न्यूज है सीना के फैंस के लिए। जी हाँ दोस्तों दरअसल रिसेंट में जॉन सीना एंटरटेनमेंट टुनाइट शो का हिस्सा बने थे और वहां पर भाई इन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बात की है कि ये अब 47 साल के हो जाएंगे और अभी ये काफी बैटल फील कर रहे हैं अंदर से भी और बाहर से भी, और ये फैंस को एग्जैक्टली वही चीज देंगे ना जो कि इनको उनसे मिला है और ये 50 साल से पहले ओवर हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर जॉन सीना ने क्लियर बता दिया है कि जब ये 50 साल के हो जाएंगे ना, जो कि सिर्फ 3 साल और बचा है, तब ये रेसलिंग रिंग से अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अभी इन 3 सालों में ये आपको कुछ ना कुछ एक्शन में जरूर दिखने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच को लंदन में लड़ने की इच्छा जताई है। जी हाँ दोस्तों, तो भाई एक और चाइल्डहुड हीरो अपना रिटायरमेंट के काफी करीब आ गया है। वैसे दोस्तों अब होप यही करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक अच्छा रिटायरमेंट मैच डिलीवर करके दे। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन है हमको जरूर बताइएगा। तो भाई काफी दिनों से मंडे नाइट रॉक को लेकर चीजें सामने आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूएसए नेटवर्क से शिफ्ट करना चाह रही है, लेकिन कहां पर ये एयर होगा ना वो काफी ज्यादा सीक्रेट था। लेकिन दोस्तों अब रीसेंट में ये पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेटफ्लिक्स के साथ मल्टी ईयर डील को साइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये डील दोस्तों 10 साल की होने वाली है, $5 बिलियन की है। तो भाई साहब ये काफी बड़ा नंबर होता है और इसकी शुरुआत दोस्तों नेक्स्ट ईयर January 2025 से शुरू भी हो जाएगी, जब आपको मंडे नाइट रॉक यूएसए से हटकर नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। और अभी के लिए दोस्तों ये सिर्फ यूएस, कनाडा, यूके और लैटिन अमेरिका में स्ट्रीम होने वाला है, और वैसे भी जब ये डेट करीब आएगी ना तो आगे और भी कंट्री को डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐड कर देगी। तो भाई अभी के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है हम लोग के लिए। तो भाई अब मूवी लवर्स भी एक लाइव एक्शन का मजा ले सकेंगे नेटफ्लिक्स पर। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट्स की तरफ, जो कि द रॉक और रोमन रेंस से रिलेटेड है। तो भाई अभी रॉक टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने ही नहीं है, इन्होंने भाई अपने डॉटर को एनएक्सटी का जनरल मैनेजर बनवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कल एनएक्सटी पर हमको शॉकिंगली विलियम रीगल का बैक इश्यू रिटर्न देखने को मिला था, और वहां पर भाई ये रॉक की डॉटर एवास को एनएक्सटी का जीएम बना देते हैं, और ये भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में अब तक की सबसे यंगेस्ट जनरल मैनेजर है। तो भाई जब बाप खुद ही बॉस हो ना तो ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है। खैर दोस्तों अब हम बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो दोस्तों रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के बाद ना एक इंटरव्यू में रॉक से सीधा इस बारे में पूछा गया था कि क्या रोमन रेंस का मैच इनके साथ हो सकता है या नहीं रेसलमेनिया में। तो भाई वहां पर रॉक ने इस मैच का होने का हिंट तो दिया था, बल्कि दोस्तों इन्होंने ये भी बोला ना कि जब ये मैच होगा ना तो ये सबसे बड़ा रेसलमेनिया मैच होगा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भी। तो दोस्तों इंटरव्यू में तो रॉक ने रोमन रेंस के साथ मैच की इच्छा तो जरूर जताई है, लेकिन अभी तक ये सोर्सेस की तरफ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये वाकई में इस साल रेसलमेनिया का पार्ट होंगे भी या नहीं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिसेंट में एक और रिपोर्ट आती है, लेकिन इस बार कोडी रोड को लेकर, जहां पर भाई ये बताया गया ना कि मल्टीपल सोर्सेस जो कि ट्रिपल एच के काफी करीब हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस साल ना ही कोडी रोड रेसलमेनिया को हेडलाइन करेंगे और ना ही अपनी स्टोरी को फिनिश। जी हाँ दोस्तों, तो भाई इस वक्त काफी कंफ्यूजिंग करने वाली अपडेट आ रही है, कभी ये चीज रॉक के केस में आ रही है तो कभी कोडी रोड के केस में। और वैसे भी दोस्तों इस बार ज्यादातर फैंस रॉक और रोमन रेंस का मैच ज्यादा देखना प्रीफर कर रहे हैं कोडी रोड से। तो देखते हैं अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में जाती है। और अब दोस्तों ये सारी चीजें आपको रॉयल रंबल के बाद ही क्लियर पता चल पाएगी कि एग्जैक्टली कौन फेस करेगा रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होगा जो इस बार रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया को हेडलाइन करेगा, हमको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें।